मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द। दो मेथड्स हैं, द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और दूसरा है जी द क्रैमर्स रूल। इस क्वेश्चंस में ऐसे आपको इक्वेशंस दी होंगी और इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के दो मेथड हैं, एक मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसको बोलते हैं और दूसरा है क्रैमर्स रूल। तो पहले हम द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इन्वर्जन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना होता है। वो किस तरह, ये जो वेरिएबल्स के साथ अटैच्ड हैं नंबर्स, इनको हम बोलते हैं कॉफिशेंट्स। एक मैट्रिक्स हमने कॉफिशेंट्स का बनाना होता है और ये जो एक्स और वाई हैं इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। एक मैट्रिक्स हमने वेरिएबल्स का बनाना होता है और ये जो इक्वेशन के दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे नंबर्स होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। एक मैट्रिक्स हमने कॉन्स्टेंट्स का बनाना होता है। तो पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशेंट का, ऐसे 2 -2 3 और 2। तो ये हो गया कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं ए। और इस तरह हमने बनाना होता है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एक्स। और फिर हमने बनाना होता है कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बी। तो हमने देखा कि ए एक्स इक्वल है बी के। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है दोनों मेथड से ताकि एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सके। तो एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए हम ए को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस में आपने इस तरह करना है, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको साइड पे रखना है, बराबर होगा ए इन्वर्स इनटू बी के। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए होगा और 1.5 में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और एडजॉइंट चाहिए होता है। तो मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, माइनस ऑफ डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, फोर माइनस माइनस प्लस 6। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 10 होगा। इस तरह हमें ए का एडजॉइंट चाहिए, ऐसे हम डिनोट करते हैं। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, जो डायगनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, तो यहां पर तो सेम है, और जो ऑफ डायगनल एंट्रीज होती हैं इनकी हम जो अलामतें हैं बदलते हैं, प्लस 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो ये हो गया ए का एडजॉइंट। अब हम ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला यूज करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, और ये इक्वल होता है, ये हो गया ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें ये चीज़ हासिल होगी। तो वैल्यूज पुट करने से एक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, ए इन्वर्स इक्वल है इसके। ए की वैल्यू क्या है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर 10 लिखना चाहिए। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का रूल आपको पता है, फर्स्ट रो इधर से कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ, 2 × 4 प्लस 2 × 6। और इसी तरह इधर से सेकंड रो, इधर से भी सेकंड रो, -3 × 4 प्लस 2 × 6। एट प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व 20 और ये 0। तो x
वाई मैट्रिक्स इक्वल है, अब आपने क्या करना है, 1/10 को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, नंबर जो है वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1/10 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 और ये 0 हो जाएगा, तो x और y वाला मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल आ गया। तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, और इक्वल मैट्रिक्सेस जो होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मतलब इधर से x इधर से 2 के इक्वल है, इधर से y इधर से 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, x इक्वल है 2 के और y इक्वल है 0 के। तो हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, x इक्वल है 2 के और y इक्वल है 0 के। तो अब हम इसको इसी क्वेश्चन को इन्हीं इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल की हेल्प से देखेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को मैं आपको रिवाइज करवा दूं, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है। एक मैट्रिक्स होगा कॉफिशेंट्स का, ए जो है ये कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स है। कॉफिशेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो अटैच होते हैं वो कॉफिशेंट्स होते हैं। और एक मैट्रिक्स आपने बनाना है वेरिएबल्स का एक्स, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे नंबर्स होते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, और एक मैट्रिक्स आपने बनाना है कॉन्स्टेंट्स का। फिर आपने ए एक्स इक्वल्स बी करना है, और एक्स आपने इधर से अलहदा कर लेना जो कि इक्वल होगा ए इनवर्स बी के। फिर आपने ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करवा के एट लास्ट आपने इस तरह सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। अब हमने इन इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से हल करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्रैमर रूल में जो एक्स की वैल्यू होती है वो बराबर होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और जो वाई की वैल्यू होती है वो बराबर होती है ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है ये हम देखते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है, ये कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ, मैट्रिक्स ए इक्वल है 2 - 2, 3, 2। तो मैट्रिक्स ए में आपने कॉफिशेंट्स लिखने हैं, ये मैट्रिक्स ए है। और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जब हम इनको फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करेंगे, जब हम कॉन्स्टेंट्स को फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करेंगे तो हमें ए एक्स हासिल होगा, ठीक है जी। इनको अगर हम प्लेस कर दें फर्स्ट कॉलम की जगह तो हमें क्या हासिल होगा, ए एक्स हासिल होगा। और अगर इनको हम प्लेस कर दें सेकंड कॉलम की जगह ए मैट्रिक्स में तो हमें ए वाई हासिल होगा। तो कैसे, यहाँ पे ए एक्स ये है 4, 6 कॉन्स्टेंट्स, इनको हमने फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करना है ए में, तो 2, 3 की जगह हमने 4, 6 लिखना है, बाकी वैसे ही। तो ये हो गया ए एक्स, और इसी तरह हमने ए वाई, ए वाई में हमने कॉन्स्टेंट्स को सेकंड कॉलम की जगह प्लेस करना है 2, 3, और इसकी जगह हमने ये कॉन्स्टेंट्स 4, 6 को प्लेस करना है। तो ये हो गया ए वाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट 2, 2, 4, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया, माइनस ऑफ डायगनल को मल्टीप्लाई करवाना, फोर माइनस माइनस प्लस 6, 10। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 है। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, ऑफ डायगनल को मल्टीप्लाई करवाना 8 माइनस माइनस प्लस 12 तो 20। तो मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20। ऐसे ही हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, ऑफ डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना 12 - 12। तो इसका जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो है 0। अब हमने x का फार्मूला अप्लाई करना है, x इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर
ए डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज हमारे पास हैं, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 20 और ए का डिटर्मिनेंट है 10, तो एक्स की वैल्यू जो है वो है 2, एक्स इक्वल है 2 के। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई के लिए फार्मूला लगाना, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज पुट करनी इनकी, ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0 और ए का डिटर्मिनेंट है 10, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो है 0। तो देखा आपने कि बेशक हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें या फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करें, जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो सेम आती हैं। पहले भी x की वैल्यू 2 थी, अब भी 2 है, पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। तो ये है क्रैमर रूल। दोबारा से एक दफ़ा समझ लें, क्रैमर रूल में आपने x की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है, ए एक्स ओवर ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर वाई डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू जो है वो आपने इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। एक ए क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है, यहाँ से कोफिशेंट का मैट्रिक्स बना लेना, ठीक है। और जब हम ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करेंगे तो ए एक्स बन जाएगा, और जब हम कॉन्स्टेंट्स को सेकेंड कॉलम की जगह प्लेस करेंगे तो ए वाई बन जाएगा। फिर हमने इनके लेने हैं डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, और एट लास्ट हमने इनकी वैल्यूज़ इनके फार्मूलाज में रख के एक्स और वाई के एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, और इस मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो कि मैट्रिक्स होता है कोफिशेंट्स का 4, 2, 3 और इधर कुछ नहीं है तो -1, और वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है एक्स, और कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है बी ए एक्स बराबर होता है बी के। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई, तो एक्स एक साइड पर रहने दें और ए इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। तो इसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट चाहिए होगा। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करवाना, 4 × -1, ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, -4 और -6, -10। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -10 है। अब हमें चाहिए ए का एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, हम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनको इंटरचेंज करते हैं, -1, 4 और इन बाकी एंट्रीज की अलामतें बदलते हैं, -2, -3। ये ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हो गया फार्मूला। वैल्यूज पुट करने से ये ए का डिटर्मिनेंट और ये ए का मल्टीप्लीकेटिव, ये ए का एडजॉइंट, ये ए का डिटर्मिनेंट और ये ए का एडजॉइंट। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने से एक्स, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, ए इनवर्स हमारे पास है ये ए इनवर्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना, मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको पता है, इधर से फर्स्ट रो और इधर से कॉलम, फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी, -1 × 8 प्लस -2 × -1। इस तरह सेकंड रो, इधर से भी सेकंड रो, -3 × 8 प्लस -4 × -1। तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगी और प्लस के 2, -24 प्लस माइनस -4। तो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के, प्लस माइनस माइनस -6
माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 28 माइनस के, अब माइनस 1/10 दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 एंड 2 5 आर 10, 2 14 एंड 2 5 आर 10। तो ये इक्वल होगा 3/5 के और 14/5 के। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, यानी कि इधर से ये एंट्री इस वाली एंट्री के इक्वल है और ये वाली एंट्री जो है वो इस वाली एंट्री के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू 3/5 और वाई की वैल्यू 14/5। अब हम इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल से हल करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो एक्स की वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जो वाई की वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए जो है ये कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स होता है, 4 2 3 -1, ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स ए एक्स क्या है? जब हम ये कॉन्स्टेंट्स को मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करते हैं तो ये ए एक्स बन जाएगा 8 -1, और सेकंड कॉलम वैसे लिख देना। इस तरह हमने ए वाई निकालना है। अब हमने कॉन्स्टेंट्स को ए मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की जगह प्लेस करना है, तो मैट्रिक्स ए वाई इक्वल होगा 4 2, फर्स्ट कॉलम वैसे लिख देना 4 3, और 8 -1। हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। डायगनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना, माइनस ऑफ डायगनल्स को, -4 -6 -10। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो है -10। इस तरह एक्स का डिटर्मिनेंट डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, माइनस ऑफ डायगनल एंट्रीज को, -8 -2 -6। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -6। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, माइनस ऑफ डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, -4 -24, तो माइनस के 28। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हो है -28। अब हमने फार्मूलाज की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स के लिए जो फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? -6, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 3/5। तो जो एक एक्स की वैल्यू है वो है 3/5। इसी तरह हमने जो वाई है उसकी वैल्यू निकालनी है। वाई के लिए फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट है -28 और ए का डिटर्मिनेंट है -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5s are 10, 2 14s are 15 28। तो जो वाई की वैल्यू है वो होगी 14/5। तो हमने देखा कि दोनों तरह से हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर के रूल से। एक्स की वैल्यू सेम आई दोनों तरह से और वाई की वैल्यू भी सेम आई दोनों तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड में पहले हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आते हैं। मैट्रिक्स ए जो है ये कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स होता है, ठीक है जी। ये जो वेरिएबल्स के साथ अटैच होते हैं, दीज आर कोफिशेंट्स। और मैट्रिक्स बी जो है ये मैट्रिक्स एक्स जो है ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है, और बी जो है ये कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है। ए एक्स जो है वो बी के इक्वल होता है, हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो एक्स इक्वल होगा ए इनवर्स बी के। तो यहाँ पर हमें ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया, माइनस ऑफ डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -1 बना। अब हमने ए का लिया एडजॉइंट,
एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो डायगनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करते हैं और जो ऑफ डायगनल एंट्रीज होती हैं उनकी अलामतें बदलते हैं। तो ये हो गया ए का एडजॉइंट। अब हम ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ये ए के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है जी। और यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट -1 है, तो -1/-1 इक्वल होता है -1 के, तो -1 से हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स की अलामतें चेंज हो गई। तो ये हो गया ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हमारे पास होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यूज जो है हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, ये मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और ये मैट्रिक्स बी। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको पता है, इधर से हमने फर्स्ट रो लेनी है, इधर से कॉलम, फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना, प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना। इसी तरह आपने सेकंड रो के साथ करना है, इधर से भी सेकंड रो, फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। इसको आपने सॉल्व करना है, तो एक्स और वाई का मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी कि एक्स इक्वल है 4 के और वाई इक्वल है -7 के, बिकॉज दीज मैट्रिक्स आर इक्वल, इनका ऑर्डर सेम है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -7 निकली। अब हम इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो क्रैमर रूल से एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए क्या होता है? मैट्रिक्स ए जो है ये कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स होता है। 4 इधर 1, -3 और -1। ए एक्स क्या होता है? जब हम इन कॉन्स्टेंट्स को फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए एक्स बन जाएगा 9 -5। सेकेंड कॉलम ऐसे लिखेंगे 1 -1। अब हमने देखना है ए वाई, तो ए वाई बनाते वक्त हमने कॉन्स्टेंट्स को सेकेंड कॉलम की जगह प्लेस करना है, फर्स्ट कॉलम वैसे लिखना। अब हमें चाहिए एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, ऑफ डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, -4 -- +3 -1, ए का डिटर्मिनेंट -1, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, डायगनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना, ऑफ डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना -9 -- +5 -+ माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस के 4। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट -4, ए वाई का डिटर्मिनेंट, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना माइनस ऑफ डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना माइनस के 20 -- +, और ये हो जाएंगे 27। तो -+ माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का 7। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट है जी 7। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज पुट करने से ए एक्स का डिटर्मिनेंट है जी -4 और ए का डिटर्मिनेंट है 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू 4। और इसी तरह वाई की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज पुट करने से ए वाई का डिटर्मिनेंट है 7 और -1, तो वाई की वैल्यू होगी -7। तो हमने देखा कि दोनों तरह से सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू सेम है 4 और वाई की वैल्यू जो है वो सेम है -7। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, तो बाकी आप खुद कर लें। अगर कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम बने तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।